धनतेरस की पूजन का सबसे बड़ा महत्व यही है, अगर हमारे पास में जो है, हमारे को जो भगवान भोलेनाथ ने दिया है, हमको जो नारायण ने दिया है, उसी के अनुसार हम भगवान की सेवा करें। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कर्जा कर चांदी के बर्तन खरीद के लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कर्जा कर आप सोने की अंगूठी बनवा कर लाओ। धनतेरस से ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कुछ घर का ही सामान बेचकर हम दूसरी सामग्री लेकर जाए। नहीं नहीं नहीं, धनतेरस कभी नहीं कहती। माता लक्ष्मी की कथा, धनवंतरी की कथा नहीं कहती कि आप कर्जा लेकर अपने घर में फ्रिज लाएं, वॉशिंग मशीन लाएं, या सामान लाएं, या कपड़े लाएं, या वस्त्र लाएं, या आभूषण लाएं। कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है, क्योंकि धनवंतरी देव जब मंथन के समय पर प्रकट हुए थे महाराज, शरद पूर्णिमा के दिन जब मंथन हुआ था तो उसमें चंद्र प्रकट हुए थे। मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ कार्तिक की द्वादशी के दिन, जो मंथन हुआ उसमें कामधेनु गाय प्रकट हुई, और मंथन प्रकट हुआ त्रयोदशी आई, धनवंतरी देव प्रकट हो गए, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में सुंदर औषधि है, और चौथे हाथ में सुंदर अमृत का कलश है। स्वयं धनवंतरी देव प्रकट होते, और ये धनवंतरी है कौन? भगवान विष्णु का ही एक अंश। त्रयोदशी को धनवंतरी देव प्रकट हो गए, चतुर्दशी आई मां कालका प्रकट हो गई, अमावस्या आई माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। ऐसे मंथन में निकल रहा, पर धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश है। इसलिए हमारे यहां हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको, अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा घर के बच्चों से भी, घर की माताओं से भी, घर की बहुओं से भी, घर की बेटियों से भी, आपके पिता, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े, जिनकी जितनी सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता के अनुसार अगर वो आपके यहाँ पर एक तांबे की एक प्लेट भी लाकर दे रहे हैं, तांबे का एक पात्र भी लाकर दे रहे हैं, एक छोटा सा वस्तु भी लाकर दे रहे हैं, तो आप समझना कि धनवंतरी देवता की कृपा हुई है और हमारे घर में आज ये वस्तु प्राप्त हुई, हमारे घर में आज ये वस्तु आई है। उसी को आप स्वर्ण की मान ले, उसी को आप चांदी की मान ले, और उसी का पूजन कर ले। लक्ष्मी और दरिद्रता देव महाराज, ये दो अलग हैं, दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में बिहा रही हैं, दरिद्रता दुसाह मुनि के साथ में बिहा रही हैं। शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहाँ पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहाँ आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने दिनों पहले किसी के यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से सफाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है, बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज देना, घर को सुरक्षित, साफ,
क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है। दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फैलारा जहाँ पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहाँ पड़े हुए हों, झूठी सामग्री जहाँ पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाता। लक्ष्मी का स्मरण भगवान शिव कह रहे हैं, ख्याति ओ माता ख्याति, अगर आपको लक्ष्मी को देना है तो भगवान विष्णु को दीजिए, पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिले, भगवान नारायण ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लक्ष्मी से विवाह करूं, पर बात केवल इतनी सी है कि लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे। आप सबसे एक निवेदन करूं, इस धनतेरस के माध्यम से जितने भी भारत भूमि के आप आस्था चैनल पर पूरे विश्व में जो कथा श्रवण कर रहे हैं धन्वंतरी पूजन की, धनतेरस पूजन की, शिव द्वारा लक्ष्मी जी को मार्ग बताना और धनतेरस के दिन प्रत्येक जीव के घर में माता लक्ष्मी का पूजन होना, प्रवेश करना। महाराज भगवान शिव स्वयं भगवान नारायण से कहते हैं कि आप लक्ष्मी को अपने चरणों में रखो। भगवान कहते हैं मैं रखने को तैयार हूं, पर लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे, जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी। महाराज आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा, शिव महापुराण की कथा कहती है घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करेगा। वो कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हम केवल घर की सफाई ना करें, हमारे भीतर जो अहंकार समाया हुआ है, हमारे भीतर जो काम समाया हुआ है, हमारे भीतर जो आसक्ति भरी हुई है, हमारे भीतर जो लोभ भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है, वो हम उसको निकाल दें।